So guys, एक तरफ है पूर डेडपूल जिसके पास कोई पावर्स नहीं है और एक तरफ है रिच डेडपूल जिसके पास सारी पावर्स है। तो क्या ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे और साथ में कभी काम करेंगे, ये देखेंगे आज के GTA 5 के वीडियो में। ओला दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? इट्स मी डेडपूल। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों के मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि मैं दौड़ क्यों रहा हूँ, ये लोग कौन है जो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। यार देखो यार, सुपर हीरो की लाइफ ना बहुत ज्यादा डेंजरस होती है यार। देखो हर चीज में तुम लोग को बता नहीं सकता, इतना समझ लो कि मैं कुछ अच्छा करने गया था लेकिन ये लोग मेरे से कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकल गए और मेरे पीछे पड़ गए। मैं क्या करूं बताओ यार, सुपर हीरो काम है ना बहुत ही ज्यादा ऊपर वाली काम होता है गाइस यार, इसीलिए तो हर कोई सुपर हीरो नहीं बन सकता। भाई हटो रे मेरे सामने से। अभी देखो यार गाइस, दिल से तो मैं सुपर हीरो हूं लेकिन फिजिकली ताकत शायद उतना नहीं है कि 10-20 बंदे को एकला मार सकता हूँ, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं यार, इनसे बचना तो मेरे को पड़ेगा ही क्योंकि इनके हाथ अगर मैं लग गया ना, सही बता रहा हूँ, इतना मारेंगे मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। यार गाइस तुम लोग एक काम करो, इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो ताकि हमारे अंदर ताकत आए इन लोगों से फाइट करने का। वैसे गाइस देखो यार, फाइट तो मैं कर ही लूंगा पर अगर तुम लोग लाइक करोगे ना तो ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को इन लोगों से फाइट करने के लिए। और एक काम कर सकते हो, जब तक मैं इन लोगों से फाइट करो तब तक तुम लोग एक काम करो, रियल डेडपूल को देख के वो क्या कर रहा है। वैसे मैं भी डेडपूल हूं पर वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक यार। कोई नहीं, जाओ देख के आओ, तुमको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है यार, तब तक मैं इनसे निपट लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है डेडपूल, तुम्हारे ये पुलिस वाले मुझे रोक सकते हैं? तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं अभी पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। आज मैं तुमसे वो हर चीज का बदला लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं आधा इंसान और आधा मशीन बन चुका हूँ। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डेडपूल, तुम मुझसे नहीं बच सकते। आज तुम्हारी मौत मेरी हाथ ही लेकर हुआ है डेडपूल। आज तुम्हें बचाने ना कोई सुपरमैन आएगा और ना कोई एवेंजर्स वाले आएंगे, आज तुम मेरे हाथ में। लाला रे डार्लिंग, तुमने ये कैसे कर दिया? हम इतने देर से इसको मार रहे थे, ये मरा नहीं, तुमने आके कार से पिचक दिया, हमका कुछ नहीं हुआ लेकिन ये तो मर गया, तुमने ये कैसे किया? अबे क्या ये डेडपूल, तेरे को इतना नहीं पता क्या? पत्थर से पत्थर टूटता है तो मैंने सोचा कि लोहे से मार कर देखते हैं तो पत्थर तो टूट ही जाएगा, तो मैं कार ले गया आर्मी वालों से मांग के और इसे मार दिया। अरे वाह यार, तुम तो कमाल के हो, पता नहीं यार ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। हाँ देखो तो कैसे बना हुआ ये। अरे यार ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई यार, करे तो करे क्या, कौन सा वाला फ्लेवर खाए, कोला खाए या कुछ और खाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला खाए यार। दौड़ दौड़ के गले की हालत खराब हो चुका है, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। काम करता हूँ, कोला ही खा लेता हूँ, ये सबसे अच्छा वाला है, यही खा लेता हूँ। चलो भैया आप एक कोला दे दो। अरे निकल जाओ, आह निकल गया। ये क्या भैया, हमने कोला मंगाया था, ये क्या आ गया, ये तो कोला नहीं है यार, चलो यही पी लेते, आहा स्वाद आ गया। चलो यार कोई बात नहीं। ये क्या दोस्तों, तुम लोग फिर से हमारे पास क्या करने आ गए? हमने बोला ना हमारे पास रोमांचक करने के लिए कुछ है नहीं, हम जिसको बचाने जाते वही हमको मार के भगा देता है। देखो ना इसको मैं बोलूं, ए तेरे को पता है मैं कौन हूँ, पता है मैं कौन हूँ? अरे तू जा रही, क्या हो रहा है हमारे साथ यार, कोई भी हमको इज्जत ही नहीं देता यार, हम कितने ज्यादा मदद करते हैं इन लोग और ये लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं। देखो यार गाइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमने हमारे जो मार्क्स है ना वो कच्चा फार के बनाए, बड़ी बात तो ये है कि हमने लोगों की मदद करने के लिए खुद को छुपाया यार। लोगों को देखो, हमको कोई भाव ही नहीं देता, हम सबकी मदद करते हैं और कोई हमको भाव नहीं देता, ऐसा कैसे हो सकता है यार। अरे यार क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकते? अरे बच्चे यार देख के चला करो यार, गिरा दिया मेरे को। अरे नहीं भैया सुनो ना मेरी बात को, मेरी मदद कर दो प्लीज यार। अरे यार बच्चे तू कर क्या रहा है, मेरे को बार बार क्यों गिरा रहा है तू? तू चाहता क्या है मुझसे, जाने देना मेरे को यार, मैं पहले से ही बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अरे यार भैया रुक जाओ ना प्लीज यार, रुक जाओ, देखो आपका शर्ट का कलर भी रेड है और मेरा भी रेड है, प्लीज यार मदद कर दो थोड़ी सी यार। अरे यार बच्चे तू जाना यहाँ से, पहले ही मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, तू जा यहाँ से। अरे यार भैया रुको तो, मेरी बात तो सुन लो, तुमने सुपर हीरो जैसा कॉस्ट्यूम पहना है, मेरी मदद
तो कर दो थोड़ी सी, अरे कर दो ना थोड़ी सी। अरे भैया सुनो ना, अरे तेरे को एक बार में बोलूं तो तेरे को समझ में नहीं आता क्या? अरे भैया सुनो ना, आपको समझ में नहीं आता? अरे भैया रुक जाओ ना, क्या कर रहे हो आप? कब से मदद मांग रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? अरे भैया रुको ना, तू मेरी बात को सुन, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। तुझे लगता है मैं सुपर हीरो? रुक जा, मैं अभी तुझे प्रूव करता हूँ मैं कोई सुपर हीरो हूँ। हेलो मैडम जी, देखो मैं एक सुपर हीरो हूँ, मेरी तस्वीर तो खींच लो। चल जा बे विकारी, कहीं काम किसी का भी तस्वीर अपने कैमरा से नहीं उठाते। हाँ थैंक यू मैडम जी, देख लिया तूने, कोई मुझे सुपर हीरो नहीं मांगता। तुझे अभी भी प्रूफ चाहिए क्या? प्लीज यार मेरे दोस्त को बचालो भैया, वो लोग मेरे दोस्त को मार देंगे। ओ हो हो, तो तेरे दोस्त को कोई मार देगा तो तू बचाना जाके? तू भी तो बहुत बड़ा है, तेरे पास भी बहुत ताकत है। तू अभी मेरे को एक घूसा मारा, बहुत तेज लगा भाई। यार पैर में दर्द कर रहा है, मेरा मतलब मुंह में दर्द कर रहा है। अरे यार भैया ऐसा मत करो यार, प्लीज मेरी मदद कर दो यार, बहुत ज्यादा मदद चाहिए आपकी। हाँ समझ गया मैं, तेरे को मदद चाहिए, लेकिन यार सॉरी बच्चे, मेरे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। तेरे को मदद चाहिए तो असली सुपर हीरो के पास जा, असली डेडपूल के पास जा, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, उससे मदद मांग। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ भाई, चल बाय बाय, बाद में कोई मुलाकात होगी तेरे से। अरे यार ये कैसी बात हुई यार, किसी ने भी मदद नहीं किया यार, अब मैं मेरे दोस्त को कैसे बचाऊंगा? रुको मुझे लगता है मेरे दोस्त को मुझे ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त मेरा है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं तो तुम्हें शायद कुछ अजीब लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आज तुम्हें डर ही गया था और मुझे लगा कि आज तुम्हें मर ही जाऊंगा, वो तो थैंक गॉड। क्या बोला तुमने? थैंक गॉड, लेकिन बचाया तो हमने तुमको, तो थैंक गॉड का ही बोल रहे हो? वो थैंक टू मी, समझ रहे हो तुम? थैंक्स टू मी। अरे यार वो तो मैं हमेशा ही तेरे को बोलता हूँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमको बचाने के लिए। वैसे मैंने भी तेरे को बहुत बार बचाया इससे पहले। हाँ तू कहने के चलते अगली बार से दिक्कत में पड़ेगा, मैं तेरे को मदद नहीं करने वाला। अरे अरे ये क्या गुस्सा कर रही हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रहा था। पता नहीं यार अब इस टाइम पे कौन आ गया, चलो मैं जाके देखता हूँ कौन है। भैया यार अभी अभी फाइट करके आए, उस शरीर का पुर्जा ठीक कर रहा था, फाइट करके बहुत चोट लगी मेरे को। कौन है भैया? क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं तो उतना कपड़े भी नहीं बदलता हूँ जितना तू सूट बदलता है। यार ये नया सूट कहाँ से मिल गया तेरे को? अरे यार वही बोलने तो मैं आया था, लेकिन उससे पहले तूने मुझे मार दिया। मैं तेरे को क्या बोलूँ, आयरन मैन सर ने नया गिफ्ट किया मेरे को, चल घूम के आते चल। क्या तू घूमने जाने की बात कर रहा है? तुझे पता है मैं कितनी बारी फाइट करके आया हूँ, मेरी शरीर के सारे पुर्जे अलग हो चुका है, अभी उनको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ही मैं जाने के बारे में सोच सकता हूँ। पर मैंने तो सोचा था मैं तेरे को आज खिलाऊंगा, चल कोई नहीं अगले दिन ही देख लूंगा। अरे रुक जा रुक जा, फंस गया बकरा। तूने अभी क्या बोला कि तू आज खिलाने वाला है? तब तो हम जरूर जाएंगे, चल भाई घूम के आते। देखो तुम हमारी बात को मजाक में मत लेना, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं लेकिन हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एक मामूली बात, एक मामूली चीज तुमसे मांगा है, जो कुछ भी है हमें दे दो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो यार, गूंगे हो क्या? अरे तुमने नहीं सुना कि हमने बोला था कि हम नहीं देंगे, तुमको इसका मतलब होता है कि हम नहीं देंगे? लगता है बच्चा तुम ऐसा ही मानोगे। ये लो अभी मान जाओगे, तुम्हारी तो चीजें नहीं दोगे तो क्या दोगे? हाँ जेल से बाहर आयो अभी, तू हट जा मेरे सामने से, तेरे को भी मार दूंगा। अबे तो तू मुझसे फाइट करेगा बच्चे? हाँ ये लो भैया इसको देखो, एक ही गुस्से में ढेर हो गया। हाँ तू करने चला था मैं इससे फाइट। अरे यार अब बस बहुत होगा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, ये लो तुम। हाँ मेरे दोस्त को छोड़ दो, ये लो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोग को, मेरे दोस्त को छोड़ दो, ये लो, और ये भी लो तुम, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दो मेरे दोस्त को, ये लो। और इसीलिए मुझे बच्चा पसंद नहीं आता। चल अब बच्चा बहुत हो गया, घूम जा, हाथ ऊपर कर ले, तेरा तो बहुत हो गया अब। हाँ ओए रुक जा ओए, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, बच्चे को अकेला छोड़ दो वरना तुझे मेरी हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा ही तो होना ही था, मुझे लगता है कोई और भी मेरे हाथों में मरने वाला है। अभी तू कौन है बंदर, वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है तू? हाय मेरा अच्छा दिल, मैंने इसको कितनी बार बोला लोगों की मदद करने की क्या जरूरत है, हर बार तू ही मरता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मदद करने से मैं कभी इतराता नहीं हूँ, कितना ऊंचा है। अभी सुपर हीरो लैंडिंग मारने का टाइम आ चुका है। हाय अगर मैं जिंदा बच जाऊँ ना लाइक जरूर कर देना, और ये है सुपर हीरो लैंडिंग, और मैं गिर गया। अबे यार क्या यार हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों? चल मैं आ गया। ओए ये ले तेरी फाइटिंग करेगा मेरे साथ, अबे यार तेरी तो ये ले बच्चों को मारेगा। चलो अब बहुत हो चुका, खत्म करते हैं नाटक। हाँ अपने हाथ ऊपर कर लो वरना मर जाओगे अभी तुम यहाँ पर। दोस्त मेरा ही तो बचाने की जिम्मेदारी भी मेरा है, तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों में लिखा हुआ था। अरे देखा बच्चे, मैंने कहा था ना तू कर सकता है। अरे मुझे पता था तेरे अंदर भी सुपर हीरो है जैसे कि मेरे अंदर है। अरे मेरे पास भी तो कोई खास पावर नहीं है, पर भी मैं सुपर हीरो, खुद को सुपर हीरो समझता हूँ, मतलब कि तू भी सुपर हीरो मैं भी सुपर हीरो, ठीक है? चल मैं अभी चलता हूँ, ठीक है ना? और हाँ मेरा नाम मत पूछना, मेरा नाम डेडपूल है, ये किसी को बताना मत, ठीक है ना? अरे यार तू क्या कर रहा है, ठीक से कर, चला ये बंदा तो आज हमें मार ही डालेगा यार। अरे यार तो हम क्या करें, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा ये कहाँ से आ गया, इसको तो हमने मार दिया था तो ये जिंदा कैसे हो गया, हमको तो ये समझ भी नहीं आ रहा है। अरे वो सवाल तो हमको तुमसे पूछना चाहिए कि जिंदा कैसे हो गया, तुम बंदे को क्यों मार रहे हो, ठीक से कर चलाओ ना। अरे यार हम तो कार ठीक से चला रहे, बंदे हमारे सामने आ रहे, हमको समझ में आ रहे, हट जाओ यार, क्या कर रहे हो भैया तुम सब? अरे यार तुम खुद उनको मार रहे हो और तुम बोल रहे हो
कि बंदे तुम्हारे सामने आ रहे। अरे लेकिन स्पाइडरमैन तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जाके मारना उसको, तेरे पास तो पावर है ना। अरे मैं क्या बोलूं, डर के मारे मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरा पावर मैं कैसे यूज करता हूँ। मेरे को बहुत डर लग रहा है, बंदे तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन गए। अब क्या होगा यार, हम लोग तो गए यार। अरे नहीं यार, ये हमारे सामने आ गया, पीछे कर, कार पीछे कर। अरे कार तो मैं पीछे ही कर रहा हूँ। अबे यार ये क्या मार रहा है यार, भाईला यार, यार ये कैसी कैसी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से मुलाकात होई गई डेडपूल। अरे ये डेडपूल तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी यहाँ से जाने वाला हूँ, टेंशन मत कर, मदद लेके ही वापस आऊंगा मैं। अरे नहीं यार दोस्त, तू ऐसा नहीं कर सकता, बुजदिल स्पाइडरमैन मेरे को जोर के भाग गया, अभी मेरा क्या होगा। तुम्हारा तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। What? ये क्या देख रहा हूँ मैं गाइस, तुम लोग उस कूल डूड वाला डेडपूल को छोड़ के बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो। सच बताओ ना, मुझसे प्यार हो गया ना तुम लोग को यार। वैसे भी आज को ज्यादा ही अच्छा काम कर लिया मैंने, ऐसा लग रहा है कि आज तो मैंने कुछ किया है। अरे क्या तुम्हें पता है, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। हाँ ये किसने बोला, ओ ये कौन है। अरे तुमने बहुत तोड़ लिया, तुमने उठ जाओ। हाँ ये लो मैं उठ गया, लेकिन तुम हो कौन, ये काले कपड़े में कौन हो तुम। नहीं यार हमारे सूट में खराबी क्या है, कोई हमको पहचान नहीं पा रहा है यार। अरे यार देखो, मुझे पता है कि तुम उस गुंडे के आदमी हो, लेकिन मैं उसको जानबूझ के नहीं मारना चाहता था, वैसे ही मर गया वो, पता नहीं वो कैसे मर गया। अरे यार तुम मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो, मैं स्पाइडरमैन हूं क्या यार, कितनी बार बोलो मैं तुमको, कोई मेरे को पहचान नहीं पा रहा है, लगता है इस सूट को मेरे को फेंक देना पड़ेगा, तुमको किसने बुलाया, चलो मेरे साथ। हाँ तुम कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं डेडपूल हूं क्या, तुम मान लोगे कि मैं डेडपूल हूं। स्पाइडरमैन के पास रेड कलर का सूट है ना कि ब्लैक कलर का। अरे यार ज्यादा बात मत करो यार, चलो मेरे साथ, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा किसी के साथ भी, तुम कौन हो मेरे को नहीं पता। अरे यार हम तुमको कब से बोल रहे हैं स्पाइडरमैन, तुम सुनने के लिए राजी नहीं हो, तुमको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, तुमको चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए काम है, कितनी बार बोलो मैं तुमको। अरे यार खुद को स्पाइडरमैन बताने वाले नकली स्पाइडरमैन, तुम हमें ये कहां लेके आए, और ये आदमी कौन है जो कुछ बना रहा है, इसको हमने कहीं पर तो देखा है। अरे क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम इसको नहीं जानते हो, ये है द मास्टरमाइंड टोनी स्टार्क। हाँ क्या बोला तुमने, टोनी स्टार्क, हमको तो लगता है हम कोई सपना देख रहे हैं, ये कैसा हो रहा है, कोई आदमी खुद को स्पाइडरमैन बता रहा है और कोई इसको टोनी स्टार्क बता रहा है, हम क्या सपना देख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप बुर्बक, आखिरकार ये काम खत्म ही हो गया, कितने टाइम से हम लगे पड़े थे इसके ऊपर। हाँ तो आ गए तुम, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, देखो ये सूट मैं तुम्हारे लिए बना रहा था, बताओ ठीक है क्या। हाँ ठीक तो है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, हम सपना देख रहे हैं, हमको पता है, लेकिन इतना रियलिस्टिक सपना हम कैसे देख सकते हैं। अरे यार बुर्बक ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है, तुम हमारी बात को सुनो, इस सिटी का डेडपूल को उसके विलन ने पकड़ कर ले गया और तुमको उसको बचाना है, क्योंकि हमको पता है तुम अच्छा आदमी हो, इसलिए हम तुमको ये खास काम देना चाहते हैं, वरना ऐसे ही हम किसी को सूट नहीं दे सकते। वो क्या आप सच बता रहे हो, ये सब सपना नहीं, ये सब सच है, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब सपना है यार, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब नकली हो। अरे मेरे को दुखता है रे बाबा, इसका मतलब ये सब सच है। ओ भाई साहब, लेकिन मेरे को करना क्या होगा ये तो बताओ। अरे बुर्बक तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उस कंटेनर के अंदर खड़े हो जाओ, सूट मिलेगा, सूट के अंदर लोकेशन रहेगा और जाके बचा के आओ तुम्हारे डेडपूल को। ओ सो इतना सा काम है, ठीक है हम अभी जाते इधर और सूट पहनते और जाके डेडपूल को बचा के आते, लेकिन हमको अभी तक ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कुछ सपना है। अगर सारे मूवी का अंत ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, क्यों हर सुपरहीरो मूवी में सिर्फ आखिर में विलेन को ही मरना पड़ता है, सिर्फ विलेन को ही हारना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। एक बार चारों तरफ देख लो डेडपूल, तुम्हारी मौत खड़ी हुई है और मैंने तुमको इतनी मारा है कि मुझे तो तुमको मारने का भी मन नहीं करता, और इसीलिए आज मैं तुम्हें नहीं ये सब लोग मारेंगे। क्या देख लो तुम लोग, अरे मारो ना, क्या देख लो मारो। अरे रुको भैया रुको, इतना जल्द भी क्या है, जिंदगी में पहली बार हमको कुछ बरी करने का मौका मिला, ये मौका हम छोड़ने नहीं वाले और अपना नाम तो हम कमा के रहेंगे। किसने बोला, ये तुमने बोला, ये तुमने बोला, ये डेडपूल तुमने बोला। अरे वो विलेन भैया ना, इसने बोला।
इसी के साथ होता है आखिरी बंदा भी खत्म। बड़ा ही आसान था यार। अरे डेडपूल भैया, मेरे को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? क्या तुम भी मेरे को मारना चाहते हो? अरे सुन लो तो मेरी बात को, मैं भी डेडपूल हूं, आप भी डेडपूल हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कौन हो तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे मेरी बात तो सुन लो, खाली पीली क्यों अपनी ताकत वेस्ट कर रहे हो? पैसे भी आपको ताकत की बहुत जरूरत है यार। चलो मैं आपको घर लेके चलता हूँ। नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा, तुम भी इनके तरह दुश्मन हो मेरी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं कब सबको बता रहा हूँ मैं भी डेडपूल आप भी डेडपूल, अब तो सुनने के लिए राजी नहीं हो? बहुत हो गया अब तो। ओके चलो गाइस, इसको भी हरा दिया मतलब कि शांत कर दिया। अभी आयरन मैन सर के घर पे लेके जाता हूँ और सबको समझाता हूँ, आई होप कि ये समझ जाएगा। तो गाइस तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि मैंने डेडपूल को क्यों मारा? इस समझ नहीं आया तो मार दिया। अब यार घर लेके चलते हैं और तुम लोग भी एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया, अगर नहीं किया तो अभी कर दो। और मैं मेरी अगली काम करता हूँ, डेडपूल भैया को लेके आयरन मैन सर के घर पे जाता हूँ।